हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो जोहार और अपने बिहारी स्टाइल में तो कैसन बाड़ा लो। आप सभी का स्वागत है, वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2019 का बायोलॉजी क्वेश्चंस जो भी पूछा गया था 2019 के बिहार पैरामेडिकल में, यानी प्रीवियस ईयर का 2019 का प्रश्न डीसीसी पैरामेडिकल का। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट सूचना। पहला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक मिल जाएगा, आपको ज्वाइन करना है और हमें सपोर्ट करना है। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक। और कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। कोई भी आपका समस्या होगा इस वीडियो में या क्वेश्चंस में तो आप हमें बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड दस वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ द इंटरनल डाइस्टर बॉन्ड्स। इंटरनल डाइस्टर बॉन्ड्स का कौन सा आपका करता है वो। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। एक न्यूक्लिक अल्म के अंतर्गत फॉस्फोडाइस्टर बंधनों का जल अपघटन कराता है। तो ऑप्शन है आपका ए लाइगेसिस, बी प्राइमेसिस, सी इंडो न्यूक्लियसिस और डी एक्सो न्यूक्लियसिस। तो आपको इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अल्म में वाटर डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं उसको, जल अपघटन करने में इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का इंटरनल अंदरूनी जो आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं कौन सा आपका इनमें से एंजाइम कराता है। तो आपके ऑप्शन है लाइगेसिस, प्राइमेसिस, इंडो न्यूक्लियसिस, सो एक्सो न्यूक्लियसिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये किस टॉपिक से पूछा गया है और कौन से बुक से और किस चैप्टर से ये पूछा गया प्रश्न। तो सबसे पहले ये आपका क्लास 12th का क्वेश्चन है, क्लास 12th का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोगों को अच्छे से ये पूरे चारों एंजाइम्स के फंक्शंस आने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो आप लोगों को अच्छे से करना है। तो एक एक करके हम लोग सारे डिटेल्स में जान लेते हैं चारों एमसीक्यू का, उसके बाद आपको अपने आप ही याद भी हो जाएगा इसी वीडियो में कि क्या आंसर है। तो सबसे पहले डीएनएस यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसिस आपका होता है, सिंपल न्यूक्लियसिस होता है, ठीक है, वो एक एंजाइम है, ठीक है, विच ब्रेक डाउन डीएनए, डीएनए को ब्रेक डाउन का काम करता है बाय हाइड्रोलिसिस या वाटर डिकम्पोजिशन कीजिए, जल अपघटन, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का ऑफ इट्स सुगर। तो इसका ही काम है कि सुगर में आपका ब्रेक करवाना, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियस आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। तो किस टाइप का हाइड्रोलिसिस कर रहा है पोजीशन के ऊपर, इसका दो टाइप है, पहला है आपका इंडो न्यूक्लियसिस और दूसरा एक्सो न्यूक्लियसिस। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में पोजीशन के आधार पे कि हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, तो पोजीशन के आधार पे से दो टाइप्स में बांटा गया, पहला आपका इंडो न्यूक्लियसिस और दूसरा है एक्सो न्यूक्लियसिस, ठीक है। तो इंडो न्यूक्लियसिस क्या काम करता है, इंडो का मतलब होता है अंदर, न्यूक्लियसिस मतलब आपको पता है, तो हाइड्रोलिसिस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो इसका काम है इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइसिस करवाना इन अ पॉलीन्यूक्लियेट चेन दैट इज डीएनए के अंदर। वाइल एक्सोन्यूक्लियसिस का क्या है, हाइड्रोलाइसिस करना टर्मिनल मतलब आउटर, बाहर वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, डीएनए एग्जाम्पल में। तो ये था आपका डीएनए यानी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन दो भाग में बांटा गया, इंडो न्यूक्लियोसिस और एक्सो न्यूक्लियोसिस। आई होप कि आपको ये अभी तक याद भी हो गया होगा, नहीं हुआ होगा एक बार पॉज करके फिर से वीडियो को जरूर देखना। अब आ जाइए डीएनए लाइगेसिस, जो आपका अदर एमसीक्यू में ऑप्शन था,
डीएनए लाइगेसेस क्या होता है? तो डीएनए लाइगेसेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग जीनोमिक इंटीग्रिटी बाय ज्वाइनिंग द ब्रेक्स इन द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन ऑफ द डीएनए। इसका मतलब है, इसका काम है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट डीएनए के होते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं, तो इनका काम है आपस में इसको जोड़कर रखना। जो भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं डीएनए के, आपस में इसको वापस मेंटेन रखना, जोड़ रखना। तो डेट अकर्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। रेप्लिकेशन डीएनए का और रिकॉम्बिनेशन डीएनए का उस टाइम, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डीएनए डैमेज एंड इट्स रिपेयर। कभी कभी डीएनए डैमेज भी होता है तो उसको रिपेयर करना, तो इसका डीएनए लाइगेसिस का ये वर्क है। अब आंसर को एक बार फिर देख लेते हैं कि एंडोन्यूक्लियोसिस आर द एंजाइम्स विच क्लीव्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन द इंटरनल रीजन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो हम लोग ऊपर देखे सेम यहाँ नीचे भी है, डीएनए और आरएनए दोनों में द एक्सो न्यूक्लियस क्लीव द पॉलीन्यूक्लियर चेन फ्रॉम द एंड। तो ये क्या करता है, एक्सो न्यूक्लियस एंड से करता है, जिसको हम लोग टर्मिनल भी बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब क्या हो गया, बाहरी रूप से, और इंटरनल में क्या करता है, इंडो। तो ये आपका हो गया। वाइल द प्रोटीएस क्लीव्स द प्रोटीन, प्रोटीएस का काम क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। प्रोटीएस आपका क्लीव करता है प्रोटीन्स को, और लिपिड आपका लाइपेसिस किस पे काम करता है, लिपिड्स के ऊपर। तो ये आपका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन का। अब आइए पीछे चल के हम लोग देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। तो अब आपको खुद आंसर पता चल गया होगा, सो अब बताइए कि इसमें कौन सा है जो इंटरनल पे फॉस्फोडाइस्टर पे बॉन्ड करता है। इंटरनल पे क्या उनका काम करेगा, तो आपका इंडोन्यूक्लियसिस। अब आपको याद हो गया होगा कि इंडोन्यूक्लियसिस यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और जब अगर पूछ देगा एक्सटर्नल या टर्मिनल, तो आपको क्या लिखना होगा, टर्मिनल या एंड पे, तो वो उसमें एक्सोन्यूक्लियसिस होगा। लाइगेस आपको समझ में आ गया, प्राइमेज आपको समझ में आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं आज का 2019 का बायोलॉजी सेक्शन का। सो आपका प्रश्न ये है दूसरा, क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम इज, तो क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम होता है क्या। पहला है ऑप्शन ए फल्केटेटिव एनारोब यानी विकल्पीय अवायुजीवी, दूसरा है अ फल्केटेटिव एरोब यानी विकल्पीय वायुजीवी, सी एन ऑब्लिगेट एनारोब अविकल्पीय वायुजीवी, और डी एन ऑब्लिगेट एरोब यानी अविकल्पीय वायुजीव। तो आपको बताना है कि क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा 2020 वाला, नहीं देखा है तो जाके 2020 में बायोलॉजी सेक्शन से जो पूछा गया है प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके वहां देखिएगा कि ये सेम क्वेश्चन आपका 2020 में आया है, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो मैंने कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये 2019 का प्रश्न है जो कि 2020 में भी पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम क्या है और इसका आंसर क्या होगा। इसको पहले हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो आपका थ्योरी क्या है, बॉट्यूलिज्म इज अ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। बॉट्यूलिज्म क्या है, एक तरह का फूड पॉइजनिंग होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, कॉज्ड बाय अ टॉक्सिन। अ टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा हमारे बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जिनका बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह का ऑब्लिगेट एनारोब होता है, एक तरह का अवायु जीवी होता है, ठीक है। एन ऑब्लिगेट एनारोब इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो रहता है वो आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस में नहीं ग्रो हो सकता है, इसी का मतलब होता है एनारोब, ठीक है, एनारोब। सो इट अटैक्स ऑन द नर्वस सिस्टम। एक्स्ट्रा में इस पे जानकारी है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है हमारे बॉडी के ऊपर, और सिम्टम्स इसके ये हैं कि इट इंक्लूड वीकनेसेस, ब्लर्ड विजन, फीलिंग टायर्ड भी आपको महसूस होगा, डिफिकल्टी होगा स्वॉलिंग में, और ट्रबल होगा स्पीक में, बात करने में भी कठिनाइयाँ होंगी, वीकनेस कमजोरी आएगा, ब्लर्ड विजन धुंधला दिखेगा, आप थकान महसूस करोगे, गला बैठ जाएगा, बोलने नहीं पाओगे, खाना अच्छे से नहीं खा पाओगे। सो एक तरह का ये
बीमारी है, ठीक है, जो कि ऑब्लिगेट एनारोब के वजह से होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार पूछा गया है डायरेक्ट 2019 और 2020 में। सो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, और क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आपको प्रीवियस ईयर एक एक क्वेश्चंस का अच्छे से आना चाहिए, आपको आपको सब क्वेश्चंस आने चाहिए, उसका सब टॉपिक क्लियर होना चाहिए, प्रत्येक एमसीक्यू का हर एक एक ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो कि आई होप कि उसमें से आपको 5+ क्वेश्चंस यानी साइंस के सेक्शन से अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस आपको आराम से प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से ही सॉल्व हो जाएंगे। सो आपको प्रीवियस ईयर पे बहुत ध्यान देना है, और मैं प्रत्येक प्रीवियस ईयर को सॉल्व करवाऊंगा, आपको हर ईयर का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दूंगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, वीडियोस पे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना से जितना हो सकता है आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, अब आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, सी आपका आंसर होगा, एन ऑब्लिगेट एनारोब, अविकल्पीय अवायुजीवी। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है, बस टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, आपसे प्रत्येक क्वेश्चंस बनेगा। तो आपको इसलिए मैं हर एमसीक्यू को एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, एकदम डिटेल्स में, कि आपको याद हो जाए। एक ही दो बार वीडियो देखोगे रिपीट पे, लूप पे, आपको क्वेश्चंस के आपको प्रीवियस ईयर क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ आप बस अपने तरफ से नोट्स बना लेना, अगर नोट्स भी ना बनाने हो आपको ये चाहिए पूरा पीडीएफ के फॉर्म में, तो जाके बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, बस जाके टेलीग्राम चैनल को हमारा पीपीए ट्यूटोरियल को ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको ये पीपीटी और या पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर नोट्स भी नहीं बनाने हो तो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए अब आज का तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरिया इनहिबिट्स इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो कौन सा एंटीबायोटिक है जो जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए और एमआरएनए के बीच में परस्पर क्रिया को रोकता है। तो आपके ऑप्शन से पहला नियोमाइसिन, दूसरा एरिथ्रोमाइसिन, तीसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, और छोटा है टेट्रासाइक्लिन। तो आपको बताना है इन चारों एंटीबायोटिक्स में से, ये चारों एंटीबायोटिक के एग्जांपल है, ये सारे एंटीबायोटिक हैं, ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि टीआरएनए और एमआरएनए के बीच में प्रोटीन सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है, कौन सा एंटीबायोटिक इनहिबिट करता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, तो इसका हम लोग चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपका क्लास 12th का डीएनए वाला चैप्टर से पूछा गया, तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपको डीएनए वाला दोनों चैप्टर्स अच्छे से करना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स, ये सब आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आइए अब इसका हम लोग देख लेते हैं थ्योरी, और उसके बाद हम लोग इसका आंसर पे आएंगे। सो आपका यहाँ पे देख सकते हो कि 6 आपको दे रखा है एंटीबायोटिक, 6 एंटीबायोटिक का एग्जांपल्स आपको यहाँ दे रखा है, और इसको हम लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है, और ये सब याद होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इनहिबिट होता है प्रोटीन सिंथेसिस बाय द हेल्प ऑफ सम एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जो बैक्टीरिया के खिलाफ रहते हैं उसे हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ट्रीटिंग सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो सबसे पहला आपका एंटीबायोटिक है स्ट्रिप्टोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, और ये क्या करता है, कैसे वर्क करता है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये इनहिबिट करता है, इसका काम क्या है, रोकना, किस चीज़ को रोकना, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशनल, जो ट्रांसलेशनल प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, ट्रांसलेशन प्रोसेस को ये रोकता है, किसका, तो बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया के अंदर ये इनहिबिट करता है ट्रांसलेशनल को, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन को देख लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन का क्या वर्क है, इसका काम है इनहिबिट करना बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम, इसका क्या काम है,
इनहिबिट करना बाइंडिंग अमीनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम, राइबोसोम से जोड़ना अमीनो एसिड टीआरएनए का, इसका काम है रोकना। ठीक है, किस चीज में? ये सारा काम बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, तभी तो वो एंटीबायोटिक कहा रहा। किस तरह से रोकेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, ये सारा वर्क्स जो भी है आपका सब बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया जब हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, हमारे यहाँ जहाँ भी इन्फेक्शंस रहता है बॉडी के अंदर, वहाँ जाके ये ड्रग एक्ट करता है और बैक्टीरिया के ऊपर ये सारा प्रोसेस काम करता है, ये बैक्टीरिया के अंदर काम करेगा। अब तीसरा है आपका क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल क्या है? इनहिबिट्स पेप्टिडाइड ट्रांसफरेस सो द पेप्टाइड बॉन्ड इज नॉट फॉर्म। इसमें पेप्टाइड ट्रांसफरेस को रोकता है कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड बने ही ना बैक्टीरिया के अंदर। और चौथा क्या है आपका? रिथ्रोमाइसिन, ये बहुत फेमस है। इनहिबिट ट्रांसलोकेशन, ये ट्रांसलोकेशन को आपका इनहिबिट करता है ऑफ एमआरएनए अलोंग राइबोसोम्स। ठीक है, और पांचवा है आपका नियोमाइसिन, इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए टू एमआरएनए। यहाँ पे हम लोगों को अपना एमसीक्यू का आंसर मिल गया। ये है हमारा जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। क्या करता है ये? इनहिबिट्स करता है टीआरएनए और एमआरएनए को अपना जुड़ने से, बाइंडिंग से। तो ये आपका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया, नियोमाइसिन आपका आंसर होगा। सिक्स आपका है रिम्फावैसिन और एटिनोमाइसिन आपका इनहिबिट करता है आरएनए सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग आरएनए पॉलीमरेज। ये इनहिबिट करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि 7 से 8 एमसीक्यू इस थ्योरी पे बन सकते हैं। तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये कि आपको याद हो, 7 से 8 एमसीक्यू बन सकते हैं। तो एक बार नियोमाइसिन पे पूछा है, हो सकता है रिम्फावैसिन के ऊपर दे आरएनए पॉलीमरेज करके सवाल पूछ दे, तो आपको ये पूरा याद हो जाना चाहिए। ये आपका वर्क है, होमवर्क है कि आपको ये पूरा याद हो जाइए। इसका नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, पैरामेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आपको ये समझा दिया। एक क्वेश्चन से आप देख सकते हो कि टॉपिक, जब आपको पता चल जाता है कि टॉपिक क्या है, तो आप पूरा कर सकते हो। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया हो। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विच इज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, इसमें से कौन सा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला ग्लूकागॉन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है थायरोक्सिन और चौथा है एड्रेनालिन। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से, गिवन में से आपका पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। तो चलिए इसका हम लोग पहले देख लेते हैं थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी इसका ये है कि देर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन्स के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, कहेंगे 4 भी रहता है, लेकिन 3 मेन टाइप्स होते हैं, बेसिक टाइप्स, बेसिक में 3 होते हैं। पहला है लिपिड डेरिवेटिव, लिपिड से डिराइव्ड है। दूसरा है अमाइनो एसिड डिराइव्ड, अमाइनो एसिड से डिराइव्ड हुए। और तीसरा है आपका पेप्टाइड से डिराइव्ड हुए, तो पेप्टाइड हार्मोन्स। तो आपका तीन हो गया, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स एंड तीसरा हो गया अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, यानी अमाइनो एसिड सोल्यूबल हार्मोन्स। ठीक है, तो लिपिड आपका क्या होता है? लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्लूड स्टेरॉयडल हार्मोन सच एज एस्ट्रैडियोल एंड टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन आपका कहाँ चला गया? लिपिड सोल्यूबल में चला गया। तो एक तो ऑप्शन आपका ऐसे ही वहाँ पे कट गया। और ग्लूकागॉन क्या होता है? इज अ सिंगल चेन पेप्टाइड ऑफ 29 अमीनो एसिड्स। 29 अमीनो एसिड्स का सिंगल चेन का ये पॉलीपेप्टाइड है, जिसको हम लोग कहते हैं। और ये सिंथेसाइज होता है बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियास। ये तो सभी को पता होगा कि ग्लूकागॉन अल्फा सेल से आपका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से पैनक्रियास में बनता है। और बीटा सेल से क्या बनता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस से क्या बनता है? तो इंसुलिन, इंसुलिन आपका बीटा सेल से बनता है, अल्फा से बनता है ग्लूकागॉन और बीटा से बनता है आपका इंसुलिन। आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर हो गया होगा, अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा। 3 टाइप्स के हार्मोन होते हैं, लिपिड डिराइव्ड, अमीनो एसिड डिराइव्ड और पेप्टाइड डिराइव्ड। ठीक है, आइए अब एमसीक्यू पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपका है ग्लूकागॉन, तो ग्लूकागॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका पॉलीपेप्टाइड है, ये आपका पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, और ये कहाँ बनता है आपका? अल्फा सेल्स में, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। कहाँ? तो पैनक्रियास में। बी टेस्टोस्टेरोन आपका क्या है? तो ये आपका लिपिड डेराइव्ड है, तो ये क्या हो गया? लिपिड
यह हो गया पेप्टाइड। थायरोक्सीन आपका क्या हो जाएगा? थायरोक्सीन आपका अमाइनो एसिड डिराइव्ड हो जाएगा, अमाइनो एसिड डिराइव्ड हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। डी है आपका एड्रेलिन। एड्रेलिन आपका क्या हो जाएगा? लिपिड सॉल्यूबल, लिपिड सॉल्यूबल, यानी उसको लिपिड डिराइव भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने चारों ऑप्शंस को डिटेल में समझा दिया, और इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में करेंगे, तो हमको एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चंस को समझने का मिलेगा आपको यहाँ पे नॉलेज, चार क्वेश्चंस कर पाओगे। तो एक क्वेश्चंस करने के साथ साथ हमारा चार एमसीक्यूज, उसका जो चार ऑप्शंस रहता है वो भी क्लियर हो रहा है, प्लस हम लोग यहाँ पे थ्योरी भी अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को अपनी तैयारी रखनी है, और आप चिंता ना करें, मैं पूरा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का इसी तरह से करा दूंगा कि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन इज स्लाइम मॉल्ट। स्लाइम मॉल्ट क्या है? तो आपका ऑप्शन है ए राइजोपस, बी फाइसेरम, सी थाइनोबैसिलस, डी एनाबेना। तो ये प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पूछा गया है क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 से, यानी प्लांट किंगडम का ये सवाल है। सॉरी, ये प्लांट किंगडम का सवाल नहीं है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपका है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पैरामेडिकल के लिए। आपको इसमें प्रत्येक एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन इन चैप्टर से बहुत आता है, और ये भी एक तरह का एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चंस भी आना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है थायोबैसिलस क्या है? तो थायोबैसिलस इज एयरबोर्न बैक्टीरिया, एक तरह का ये बैक्टीरिया है एयरबोर्न, ये हवा में पाया जाने वाला। एनाबेना क्या है? एनाबेना इज अ जीनस ऑफ फिलामेंटियस सियानोबैक्टीरिया, ये एक तरह का सियानोबैक्टीरिया है डेट एग्जिस्ट एज प्लैंकटॉन्स, प्लैंकटॉन्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। राइजोपस क्या है? राइजोपस इज अ जीनस ऑफ कॉमन सेप्रोबिक फंगी, ये फंगी का टाइप है, ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर ये रहता है, एंड स्पेशलाइज्ड पैरासाइट्स ऑन एनिमल्स, और ये पैरासाइट्स के फॉर्म में एनिमल्स के ऊपर रहता है। और डी जो आपका लास्ट बचा, फाइसेरम, फाइसेरम क्या है? एक स्लाइम मॉल्ट है। तो और भी एग्जांपल्स होते हैं स्लाइम मॉल्ट्स का, आपको जाके बुक खोलना है एनसीईआरटी का, और चैप्टर नंबर 2 में आपको खोजना है स्लाइम मॉल्ट्स का और एग्जांपल, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आइए अब इसका टिक कर लेते हैं सही आंसर। तो सही आंसर क्या होगा? फाइसेरम, फाइसेरम आपका करेक्ट आंसर है, फाइसेरम इज अ स्लाइम मॉल्ट। तो इसी तरह से हम लोगों को प्रत्येक क्वेश्चंस करना, और एग्जांपल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में, ये बात याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 का एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारा एग्जांपल, जितना भी एग्जांपल्स है उसमें, फाइलम, क्लास, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सब याद होना चाहिए। आपको क्वेश्चंस एग्जांपल बेस्ड ही यहां से पूछेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। कमेंट्स में आप ज़रूर अपना प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स हो कि नहीं समझ में आया, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स में डालिएगा, मैं प्रत्येक कमेंट्स का आंसर दूंगा। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, दोज हु प्रोफाउंडेड या पोस्टुलेटेड नेचर्स लैडर वर, प्रकृति का सौपन को प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो कौन थे जिन्होंने ये नेचर लैडर्स कर एक कॉन्सेप्ट दिया था? तो वो थे डार्विन, प्लेटो, अरिस्टोटल या वाटसन, इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये नेचर्स लैडर कर पॉस्टुलेट दिया था? तो आइए हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। सो आपका यहाँ पे है कि अरिस्टोटल, अरिस्टोटल ने डेवलप किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर ऑफ नेचर। लैडर ऑफ नेचर एक कॉन्सेप्ट था जिन्होंने, अरिस्टोटल ने डेवलप किया था, जिसको हम लोग स्केला नेचुरा के नाम से भी जानते हैं, टू ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स इन द नेचुरल वर्ल्ड, हमारे
ऑल द थिंग्स इन नेचुरल वर्ल्ड, सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, जीव और मृत दोनों चीज़ों को एक साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए ये डेवलप किया जाता था कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो कॉन्सेप्ट वॉज सच अ वे दैट एवरी थिंग हैज़ अ प्लेस ऑन द लैडर, लैडर में सबका अपना अपना एक स्थान होता है, ठीक है। एंड स्पीसीज कैन नॉट स्विच प्लेसेस, मतलब एक स्पीसीज दो साइड या प्लेस स्विच नहीं कर सकते। तो द लैडर ऑफ नेचर रेंज फ्रॉम इन एनिमेट मैटर, यानी मिनरल्स, सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे पायदान पे, लोएस्ट पे थे आपके मिनरल्स, उसके ऊपर आपके प्लांट्स, फिर उसके ऊपर एनिमल्स, और सबसे ऊपर ह्यूमंस। तो इस प्रकार से लैडर्स में हाईएस्ट लैडर के ऊपर ह्यूमंस थे। तो हैंस कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर ऑफ नेचर स्केलर नेचर वॉज डेवलप्ड बाई एरिस्टोटल। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोग मिनरल से लेके ह्यूमंस तक को एक सीढ़ी के पायदान के हिसाब से हम लोग प्लेस करते थे। तो ये था एरिस्टोटल द्वारा दिया गया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा आपका सी एरिस्टोटल। सी एरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो इसका आंसर होगा आपका सी फ्यूकस। फ्यूकस इज द करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्यूकस। तो फ्यूकस आंसर है। अब आपका वर्क है कि बुक खोल के चारा पॉरीफेरा ग्रैसिलिया कौन सा होगा, एल्गी होगा, रेड होगा, ब्राउन होगा, ग्रीन होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपको सब याद करना होगा, जो थोड़ा सा वर्क तो है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, इन विच क्लोरोक्लोरीन पिगमेंट इज फाउंड, किन में से क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन सात एनेलिडा, बी एकाइनोडर्माटा, सी इंसेक्टा, या डी लोअर कॉर्डेट्स। तो ये क्वेश्चंस आपका रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चंस आपका सीधा रिपीट हुआ है, ये 2019 यानी इस साल और 2020 में पूछा गया। तो आपको दो प्रश्न मिल गया कि जो डायरेक्ट रिपीट हुआ है। पहला था क्लॉस्ट्रेडियम बॉटुलिनम पे, दूसरा है क्लोरोक्लोरीन पे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लीजिए। इसलिए मैं डिटेल में प्रत्येक एमसीक्यू को ऑप्शन वाइज, थ्योरी वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आपने 2020 का देख रखा होगा, तो आप फटाक से दे दोगे, इसका आंसर एनिलिडा होगा, ठीक है। आइए इसका थ्योरी देख लेते हैं, क्यों होगा एनिलिडा इसका आंसर। सो जो आपका क्लोरोक्लोरीन होता है इज अ रिस्पिरेटरी पिगमेंट, वो एक तरह का रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है और फ्लोरोसिंग रेड होता है, डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ पॉलीकीटा वर्म्स में होता है एनिलिडा में। एग्जांपल्स आपका क्या हो गया, क्लैन वर्म्स, जितने भी क्लैन वर्म्स होते हैं वो, और आपका सैंड वर्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम नीरिस, नीरिस के नाम से जाना। तो आपको एग्जांपल्स भी याद रखने हैं, और ये एनिमल किंगडम का सवाल है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 11, ठीक है। एनिमल किंगडम अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 क्लास 11 का, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, और आप देख सकते हो कि रिपीट हुआ है। तो 2019 में भी पूछा गया ये प्रश्न और 2020 में भी पूछा गया है। सो प्रीवियस ईयर अच्छे से करिए, मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, ईयर बाय ईयर प्रत्येक बायोलॉजी क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ठीक है। आइए आज का 9वां और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, जो कि पूछा गया था 2019 के पैरामेडिकल में बायोलॉजी सेक्शन से। तो क्वेश्चन ये है कि पाश्चर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन वाज विद, पाश्चर ने टीका का विकास का सर्वप्रथम प्रयोग किस पे किया था। तो आपके ऑप्शन है ए रैबीज, बी चिकन कॉलरा, सी स्मॉल पॉक्स, और डी टेटनस। ये आपको बताना है कि कौन सा के साथ आपका पाश्चर्स ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका सही आंसर होगा रैबीज। रैबीज का उन्होंने एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट वैक्सीनेशन आपका एनिमल्स पे किया, तब वो ह्यूमंस के लिए बनाया। तो पहला उनका था रैबीज के ऊपर, यानी रैबिट्स के स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इन्होंने टेस्ट कर
ये वैक्सीन को बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का होगा ए, रैबीज। ठीक है, बाकी आपका हुआ कि स्मॉल पॉक्स, चिकन कॉलरा, टिटनस, इसका वैक्सीन का खोज किसने किया और कैसे किया, ये आपका काम है सर्च कर कर अपना नोट्स बनाना। ठीक है, ये आपके लिए मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। और गाइस, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप जाके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, साथ में फेसबुक पेज को, साथ में इंस्टाग्राम पेज को भी। वहाँ पे आपको मैं टाइम टू टाइम कुछ कुछ ट्रिक्स किसी किसी टॉपिक से डालता रहूँगा, आपके लिए वो भी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए एंड टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना, और फीडबैक में बस ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप्स के वीडियोस को पाने के लिए आप लोग प्रिपेयर ट्यूटोरियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर द वॉच।